नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में और यहाँ पे तमाम पंचायतों से प्रत्याशी अपना नामांकन करवा रहे हैं। इसी बीच बेसवक पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी हैं जो कि नामांकन करवा करके बाहर आए हैं। हम इनसे वार्तालाप करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या हुआ? सरोज देवी। सरोज देवी, किस पंचायत से नामांकन करवाएं? बेसवक पंचायत से। बेसवक पंचायत से आप नामांकन करवाएं माता जी। बेसवक पंचायत में आपको क्या क्या कमियाँ दिखती है अभी? बहुत कमी है। जैसे? जैसे कि जहीं पर अधिक कल होना चाहिए। बोलिए, आप प्रस्तावक? हाँ, बताइए। हाँ, नली गली विकास का काम करेंगे। अच्छा। हाँ, अभी जो वर्तमान मुखिया है वो आपका कहना है कि वो काम नहीं किए हैं, जो पूरा नहीं किए उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, हम उसको पूरा करेंगे। और अपने पंचायत के जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उसको अच्छा संस्कार देना चाहेंगे, बाल बच्चों को उनको अच्छा शिक्षा देने का मैंने अथि करेंगे, सुझाव डालने का काम करेंगे, उनका जो भी विकास सरकार का योजना होगा उनके घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। अभी हम आप ही के पंचायत के हरबंशपुर, हाँ, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे विकास मतलब कि बहुत दूर तक है, अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा है। उस गांव में ना तो नल जल है, ना नली है, ना गली है, उसके संबंध में क्या करना? हाँ, पूरा काम अधूरा है, काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, उसको आप पूरा करेंगे? हाँ, हम उसको पूरा करेंगे। एक और प्रस्तावक हैं दादा, क्या नाम है? रामचंद्र सिंह यादव। दादा, एक बात बताइएगा कि अभी आप नामांकन करवा करके बाहर आए हैं, अंदर क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा? तमाम जगहों से दस्तखत वगैरह, तमाम डॉक्यूमेंट को पेश किए, उसको पेश करके आया। आप एक बुजुर्ग हैं दादा, पहले का चुनाव और अब के चुनाव में क्या आपको डिफरेंस दिखता है? अंतर बुझाता ही अंतर है। आपके पंचायत में क्या क्या कमियाँ हैं? हमारे पंचायत में कुछ 10 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, समझे ना। कोई 10 साल हमारे अभी जो वर्तमान मुखिया रहे, कुछ ऐसे ऐसे काम किए जो पक्षपात के रूप में रहा, उनसे जनता काफ़ी उबी हुई है। और उसके बाद अधूरा, जैसे हरबंशपुर, भागवतपुर, मोदन बिघा, तमाम जगहों पर, बेशमक तमाम जगहों पर अधूरा काम, कोई काम कहीं नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइएगा दादा, आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत चुनाव बहुत करीब है। जी, संदेश है जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। एक पंचायत मुखिया हैं प्रत्याशी जो कि नामांकन करवा करके बाहर लौटे हैं। पहले बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद। कहाँ से नामांकन करवा रहे हैं, किस पंचायत से? बरदाहा पंचायत। विजेंद्र जी, एक बात बताइएगा कि आपके पंचायत में क्या क्या कमियां दिखती है और जीतने के बाद आप क्या करेंगे? हमको तो लगता है कि जो 5 साल मेरे प्रतिनिधि रहे हैं विजयनंदन चौरसिया, वो विकास नाम का कोई काम ही नहीं किए हैं। जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा? जीतने के काम मैं समाज सेवा के लिए उतरा हूँ, अपने समाज को सेवा करेंगे और समाज को आगे की ओर बढ़ाने का काम करूँगा। जीतने के बाद आपके सबसे पहला काम क्या होगा विजेंद्र जी? जीतने के बाद सबसे पहला मेरा काम होगा कि हम अपने पंचायत में एगो सबसे अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था करूँगा, ये मेरा पहला काम होगा। तो ये थे बरदाहा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी जो कि बताया कि जीतने के बाद हम पंचायत में सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करेंगे।